हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मशीन, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के हर ऑनलाइन एग्जामों में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है धारा को परिवर्तित के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, वोल्टेज परिवर्तन के लिए। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। योग का उपयोग किसके लिए करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, बाहरी चोटों से बचाने के लिए, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, उपरोक्त दोनों ए और बी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। योग का प्रयोग हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए करते हैं और बाहरी चोटों से बचाव के लिए भी करते हैं। ठीक, और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बियरिंग का प्रयोग डीसी मशीन में क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है घर्षण को कम करने के लिए, कटाव के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए, घिसाव के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। बियरिंग जो होता है वो घर्षण को कम भी करता है और कटाव के कारण होने वाली हानियों को भी कम करता है और घिसाव के कारण होने वाली हानियों को भी कम करता है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह तीन कारक जिसके द्वारा शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कम होती है। तो ऑप्शन है दोस्तों आर्मेचर आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड करंट में कमी, आर्मेचर लीकेज। तो इस दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी वाला, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निर्भार पर किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज लगभग शून्य होती है? तो दोस्तों, नो लोड पर जो टर्मिनल वोल्टेज शून्य होता है वो हमारा जनरेटर है। इसमें ऑप्शन दिया है सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, बाहरी प्रतिबंध द्वारा सेपरेटली एक्साइटेड। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है वो है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर का नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज शून्य होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोबाइल बैटरियों को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर पसंद करते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल बैटरियों को चार्ज करने के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। यदि एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नया लगाने के बाद पहली ट्रायल रनिंग में वोल्टेज नहीं बनता, तब पहली जांच क्या करते हैं? फील्ड कनेक्शन बदल देंगे, प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ा देंगे, फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, आर्मेचर इंसुलेंस रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फील्ड कनेक्शन बदल देंगे, ए वाला सही है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अधिक करंट प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में कौन सा वाइंडिंग करते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है लैप वाइंडिंग, रिट्रेग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, कोई नहीं। तो दोस्तों, अधिक करंट जब हम देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैप वाइंडिंग। तो दोस्तों, जब हमें अधिक करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होती है तो वहाँ पे हम लो लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें अधिक वोल्टेज और लो करंट की जरूरत होती है तो वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न हानियों में से डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो वह इसका ऑप्शन है कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो दोस्तों, निम्न हानियों में से डीसी जनरेटर में सबसे ज़्यादा जो हानि होती है वो होता है हमारा कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यदि दो जनरेटर समांतर में चल रहे हैं और एक जनरेटर का फील्ड बहुत कमज़ोर है, तब ऑप्शन है यह एक मोटर की तरह उसी दिशा में घूमता रहेगा, बी है यह एक मोटर की तरह विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देगा, सी है यह कोई लोड नहीं लेगा, और डी है यह कोई लोड का भी भाग ले लेगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यह एक मोटर की तरह उसी दिशा में घूमेगा, ऑप्शन नंबर ए,
ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। जब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते हैं तब सीरीज फील्ड को किससे बचाने के लिए स्टार्ट करते हैं? इसका ऑप्शन है स्टार्टिंग में अत्यधिक करंट, अत्यधिक स्टार्टिंग स्पीड, मोटर गलत दिशा में स्टार्ट होने और सर्किट ब्रेकर ट्रिप। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोटर गलत दिशा में स्टार्ट होने से। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक डीसी मोटर की स्पीड होती है स्थिर रहती, ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर ए है स्थिर रहती है, बी है फ्लक्स के समानुपाती है, सी है बैक ईएमएफ के समानुपाती है और डी है बैक ईएमएफ और फ्लक्स के गुणनफल के विलोमानुपाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती है, सी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डीसी मोटर के किस विशेष भाग द्वारा उसकी आसानी से पहचान होती है? तो ऑप्शन है इसमें आर्मेचर द्वारा, कम्यूटेटर द्वारा, वाइंडिंग द्वारा, स्लिप रिंग द्वारा। तो दोस्तों डीसी मोटर के जो का जो कम्यूटेटर पार्ट होता है इसके द्वारा हम पहचान करते हैं कि वो हमारा जनरेटर है या मोटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटर द्वारा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सीरीज वाउंडिंग डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है? ऑप्शन है फ्लक्स घटने से स्पीड बढ़ती है, शंट फील्ड में रेगुलेटर लगाकर नियंत्रित करेंगे, फ्लक्स बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो शंट फील्ड में रेगुलेटर लगा के नियंत्रित करेंगे। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारे ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और हम छोटी छोटी गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजों में के बीच फेज अंतर होता है वो है, ऑप्शन है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, डी है 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के मध्य। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पर। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए आउटपुट इनपुट नापने वाली विधि कठिन होती है क्योंकि ऑप्शन है आउटपुट होता है और नापी नहीं जा सकती, बी है ट्रांसफार्मर की दक्षता समानांतर बहुत अधिक होती है और इसलिए बहुत शुद्ध मापने की आवश्यकता होती है, सी है हानियाँ असमान रूप से अधिक होती है, डी है आउटपुट इनपुट की अपेक्षा आउटपुट फेज होती है। तो दोस्तों का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर की दक्षता समानांतर बहुत अधिक होती है और इसलिए शुद्ध नापने की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक ट्रांसफार्मर के फुल लोड आयरन लॉस 900 वाट है और कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो कितने परसेंट लोड पर ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देगा? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन दिया है 100%, 50%, 75%, 90%। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 75% पर। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है? ऑप्शन है इसकी केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी में चलाना चाहिए, इसकी वोल्टेज रेटिंग लोड शेयरिंग के अनुपात अनुसार होनी चाहिए, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात भार साझेदारी के अनुपात अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें समान फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन, मतलब ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नमक, पानी, खनिज कूल, सील का जल। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में हम प्रयोग करते हैं सील का जल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, कॉपर हानियाँ, कोर हानियाँ, एडी करंट हानियाँ, हिस्टेटिस हानियाँ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कॉपर हानियाँ। अगर जैसे भी हमारा लोड बढ़ता है तो उसके साथ करंट भी बढ़ता है और हम जानते हैं कि कॉपर लॉस का जो फर वो कॉपर लॉस होता है जो कॉपर लॉस होता है हमारा कॉपर लॉस बराबर वो होता है आई स्क्वायर आर। जब लोड बढ़ेगा तो करंट भी मान बढ़ेगा जिसके कारण हमारा कॉपर लॉसेस का भी मान बढ़ता है, और अगर लोड घट रहा है तो करंट भी हमारा घटेगा जिसके कारण हमारा कॉपर लॉस घटता है। ठीक दोस्तों,
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आप सबको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।